सब्सक्राइब करें सुहाइपर चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुहाइपर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुहाइपर। दोस्तों, आज की हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है नागपुर जंक्शन से इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। जी हां, महाराष्ट्र का बिगेस्ट जंक्शन है नागपुर जंक्शन और मध्य प्रदेश का बिगेस्ट जंक्शन है इटारसी जंक्शन। यहाँ तक हम जर्नी करने वाले हैं गोंडवाना एक्सप्रेस से, जो रायगढ़ से हज़रत निजामुद्दीन के बीच चलती है, तो वहाँ से हम अभी जाएंगे। दोस्तों, अभी ट्रेन का अराइवल टाइम 12:35 था, लेकिन ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी है और अभी 12:54 हो चुके हैं। ट्रेन अभी तक आई नहीं है, अभी जस्ट आने ही वाली है। दोस्तों, अभी जस्ट दिख रहा है आपको, इसे मिनी डायमंड कहेंगे। बाकी इसके आगे जाएंगे
तो आपको फुल डायमंड का दिखने को मिल जाएगा। ये जो रूट जा रहा है इसके साइड में जाती है ट्रेनें, ये देखिए और एक डायमंड, उसके बाद वहाँ पर आपको डायमंड देखने को मिल जाएगा। Thank you.
दोस्तों अभी हम अपने जर्नी के पहले स्टॉप पांडुरना रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं, जो एमपी स्टेट के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। जी हाँ, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये रेलवे स्टेशन आता है पांडुरना। और दोस्तों पांडुरना अपने ऑरेंज फार्म्स यानी संतरों की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आपने नागपुर से पांडुरना तक के संतरों के बगीचे अभी देखे होंगे इस वीडियो में। दोस्तों पांडुरना से नागपुर संतरे भेजे जाते हैं और पांडुरना में ट्रेन के आने का टाइम 2:09 PM का होता है, बट यहाँ पर ट्रेन 2:45 PM को आई है, जो ट्रेन 34 मिनट लेट पहुँची है। दोस्तों नागपुर से पांडुरना तक 12 इंटरमीडिएट स्टेशन है, जहाँ गोंडवाना एक्सप्रेस नहीं रुकती है। कुछ रेलवे ट्रैक का काम चल रहा है दोस्तों, आप देख पा रहे हो। काफी स्पीड में चल रही है हमारी ट्रेन। Thank you.
अदरक वाला अपने जर्नी के दूसरे स्टॉप मुल्ताई रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। 3:24 PM पर यहाँ ट्रेन आई है। जनरली यहाँ पर ट्रेन 2:44 PM को आती है, बट यहाँ पर भी ट्रेन 20 मिनट देरी से पहुँची। दोस्तों मुल्ताई MP स्टेट के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में आता है। काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन ये है। यहाँ पर काफ़ी ट्रेन नहीं रुकती, कुछ कुछ ट्रेनें ही रुकती है। Thank you.
दोस्तों अभी हम अपने जर्नी के तीसरे स्टॉप यानी आमला जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। अभी 3:52 PM को ट्रेन पहुंची है। जनरली यहां पर ट्रेन एग्जैक्ट 3 बजे आती है, बट यहां पर भी ट्रेन 52 मिनट देरी से आई है। दोस्तों आमला जंक्शन बैतूल डिस्ट्रिक्ट का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यहां से भोपाल नागपुर सेक्शन लाइन और आमला छिंदवाड़ा सेक्शन लाइन पास होती है, इसी के कारण आमला को जंक्शन कहा जाता है। इस रेलवे स्टेशन पर काफ़ी ट्रेन का हॉल्ट होता है। 1891 में स्टेशन को शुरू किया गया था और आमला बेस्ट रेलवे स्टेशन है। अभी हम अपने जर्नी के चौथे स्टॉप बैतूल रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। यहाँ पर ट्रेन 4:08 PM को भी आई है और यहाँ पर ट्रेन 3:18 PM को आती है और यहाँ पर भी ट्रेन 70 मिनट देरी से पहुँची है। दोस्तों बैतूल MP स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है जो अपने बालाजीपुरम, ताप्ती उद्गम, सालबर्डी, कुरकुरु और मुक्तागिरी टूरिस्ट प्लेस के लिए काफ़ी वेल नोन है। दोस्तों बैतूल काफ़ी बढ़िया स्टेशन मुझे लगा है और दोस्तों बैतूल रेलवे स्टेशन मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया है। इस रेलवे स्टेशन एकदम शांत लगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर ट्रेन काफ़ी रुकती है, बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है इस शॉर्ट जर्नी के लिए। दोस्तों अभी आप जो जर्नी देखने वाले हो ना, इसके बाद काफ़ी शानदार होने वाले। जी हाँ, बैतूल से घोड़ा डोंगरी तक काफ़ी टनल्स देखने को मिल जाएंगे और ट्रेन का घाट सेक्शन भी यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी देखने के लिए दोस्तों इस तरह ट्रेन मुड़ने वाली है, काफ़ी कोर्स होने वाले, तो चलिए इंजॉय करते एक साथ।
Thank you.
गरम समोसे बोल भैया, बोलो समोसे गरम, समोसे गरम, बोलो हरी मिर्च वाले गरम समोसे, गरम था भाई गरम वाले बोल भैया। लास्ट स्टॉप
च्या नंतर आपला Thank you.
डेस्टिनेशन स्टॉप इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं एक बेहद ही शानदार सफर करके। दोस्तों मुझे तो काफ़ी अच्छी जर्नी लगी, आपको कैसे लगी आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर ट्रेन 5:53 PM को पहुँची है। जनरली देखा जाए तो यहाँ पर ट्रेन 5:45 PM को आती है। ओनली 8 मिनट ट्रेन यहाँ पर लेट हुई है, क्योंकि इससे पहले काफ़ी ट्रेन लेट चल रही थी हर रेलवे स्टेशन पर, वो भी इसलिए दोस्तों इसलिए लेट कम हुई यहाँ पर क्योंकि घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन तक जो ट्रेन वहाँ से चली है काफ़ी फास्ट चली है इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन तक, और उसमें उस ट्रेन ने अपना टाइम कवर कर लिया। दोस्तों अभी हम इटारसी जंक्शन के रिटायरिंग रूम में एक रात रुकेंगे और उसके बाद स्टेशन कैसा है उसके बारे में बताएंगे। साथ ही इसके बाद वाली वीडियो जो आपको मिलने वाली है वो रिटायरिंग रूम का रिव्यू देंगे, इटारसी जंक्शन के रिटायरिंग रूम का रिव्यू देंगे, उसकी वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं तो जर्नी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बैक टू बैक काफ़ी ट्रेन जर्नीज और रेलवे से रिलेटेड की वीडियोज़ काफ़ी आपको मिलने वाली, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जर्नीज वीडियोस काफ़ी आपको देखने को मिल जाएंगे इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।